बुरहानपुर जिले से बोल रहा हूँ, ग्राम बखर से हरिभा पाटिल जी। ये मेरी केरी लगी हुई है 8-8.5 हज़ार, तो अभी एन चालू है इसमें 35-40% एन हो गई है। हाँ, तो ये देखो 32 बहुत बढ़िया, 35-33-34 ऐसे आ रहे, पर मैं 9 स्पंज छोड़ रहा हूँ। इसमें एक हो रहा है, अपने ब्रह्मपुर के व्यापारी जब भी माल लगता है तब ये बोलते वादा शॉर्ट है, शॉर्ट की वजह से माल काटते नहीं, वापस चले जाते। तो इसका पूरा फर्टिलाइजर हो चुका है। अच्छा, इसमें थोड़ा रहा था 0050 वाला सुलिवर, वो लॉकडाउन के कारण मेरे को मिला नहीं। अच्छा, तो अभी वादे के लिए कुछ क्या करना है ये बता दो। ठीक है, और आगे मेरे को इसका ये 5x5 पे लगी हुई, तो 5x10 पे लगाई, ये बेबी छोड़ा इसका 5x10 पे, तो चलेगा क्या और कब छोड़ना है ये मेरे को बताने की कृपा करें। देखो ये पूरी ऐसी एन चालू है अभी, बंच काफ़ी अच्छा आ रहा है। इस समय का फ्लावरिंग आता ही अच्छा है, नीचे गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। अभी इसका करीबन 3-5 इंच केला है नीचे वाली स्पंज का, तो अभी क्या करना है इसमें इधर। और ये जो है केला ऐसा अंदर क्यों घुसता है, ये ऐसा सीधा नहीं आता, अंदर जाता है, तो इसका कारण क्या है? हम किसान ना बड़े डॉक्टर है, बारीकी देखते हैं, शॉर्ट दिखता है जी। वो व्यापारी आए कि बोलते कि शॉर्ट है, ऐसे सीधे आने को ना, राइट, ऐसे स्पंज बाहर नहीं आ रहे, अंदर जा रहे। और दूसरी बात ये है बलराम भाई, ये जो स्पंज ऊपर निकल रहे अभी नए, ये बहुत सारे ऐसे स्पंज नीचे गिर गए, केला गड़बड़ आ रहा है, टेम्परेचर विकृति है, इसका कारण क्या है, इसमें क्या कमी है? ये पूरा पंजे में दिख ही रहा है कि ऊपर केला अच्छा, बीच में खराब है, नीचे केला अच्छा, गड़बड़ है ये, तो इसका कारण क्या है? तो अभी करना क्या है इसका? ये गड़बड़ी है, नीचे केला अच्छा, बीच में खराब, नीचे केला अच्छा, ये आपका बंच निकालने का डिजाइन बहुत गड़बड़ है, ये निकालने का तरीका गंदा है, ऐसा मत निकालो। तो केला रख रहा हूँ। पिछले साल मेरी 10,000 केली पूरी सो गई थी तूफान में। अरे बाप रे। इस साल भी है, अभी क्या मालूम। बहुत अच्छा बंच है ब्रदर आपके यहाँ। वैसे मई जून अप्रैल का फ्लावरिंग आता ही अच्छा है, लंबा आता है, काफ़ी केलों की संख्या आएगी। अगस्त के प्लांटेशन बहुत अच्छे रहते हैं, जुलाई वाले आगे की जो नई केली लगाने का चल रहा है जून जुलाई में, तो आपका जो भी ट्रीटमेंट है मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है, पूरे बुरहानपुर वालों को मैं बोलना चाहूँगा ब्रदर आपके इस वीडियो के माध्यम से, सभी गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ गड़बड़ी अभी भी चालू है। सबसे बड़ी दिक्कत है 5x5। अभी आपका ही प्रश्न है और आपका ही जवाब है, मैं बतलाता हूँ। आपने बोला वादा शॉर्ट होता है, लेने वाला आता है, भाव नहीं देता है, फिर बोलता है आप पंजे कम कर रहे हो उसके बावजूद। उसका मेन रीज़न अगर आप पूरे खेत में देखोगे तो पत्ते जा रहे हैं, ये पत्ते डल हो रहे हैं। अगर आप देखोगे आपके खेत में तो नीचे के पत्ते झुकना चालू हो गए, हरा पत्ता झुक गया है, पत्ते झुक गए हैं, ये पत्ते पीले होना चालू हो गए हैं, ये बड़ी गड़बड़ी है 5x5 में। अंदर छांव जाती है उसके पहले ही पत्ते गड़बड़ होकर के जाना चालू हो गए, ये पत्ता भी चले गया, ये पत्ते चले गए।
अभी फ्लावरिंग आते आते आपका पेड़ एकदम नंगा हो जाएगा, पूरे ऊपर के 4-5 पत्ते केवल बचेंगे, और फिर पौधे को भरते समय हरे पत्तों की संख्या कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होती है, उसके कारण से पाचन क्रिया कम होती है, उसके वजह से प्लांट में माल की भरपाई कम होती है। जो टेढ़ा हो रहा है वह अच्छा सिम्टम है, लेकिन उसे अगर फ्रूट उसका भोजन मिलेगा तो वह लेंथ में आएगा, वरना गड़बड़ी होगी। सबसे पहले पूरे बुरहानपुर को, आपके क्षेत्र को 5x5 को तलाक देना पड़ेगा, घर गांव खेत से बाहर भगाना पड़ेगा। ये 5x5 का ग्राफ गड़बड़ है, 5x6 या 5x7 कम से कम 35-30 स्क्वायर फीट से ऊपर जाओ। फ्लावरिंग आते समय बहुत अच्छा आपका बंच आ रहा है, बहुत अच्छा प्लॉट है, एक्सीलेंट है, अगर मैं बंच को कहूँ तो 10 में से 10 नंबर देने की इच्छा हो रही है, लेकिन ये जो पत्ते कम हो रहे हैं, आपकी फील्ड जो 5x5 की है इसको 10 में से 6 नंबर देने का भी मेरा मन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फील्ड या इन फील्डों की वजह से आपके क्षेत्र में एक्सपोर्टर नहीं है। बुरहानपुर का इतिहास उठा के देखो, नहीं है ना, गड़बड़ है। तो उसके लिए हमें पत्तों की संख्या ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो पत्ते कैसे रहेंगे, तो ग्राफ को चेंज करना पड़ेगा, 5x6 कम से कम या 5x7 झिकझेक पे जाना पड़ेगा। अभी आप इसका ही रटून आगे रख सकते हैं, और 10 फीट पर रटून मत छोड़ो, अभी फ्लावरिंग आने दो। माल जब 30% कट जाएगा उस दिन मैं आपको बतलाऊँगा कि कौन सा पौधा रखें और कौन सा निकालें। इसमें 25% प्लांट निकालेंगे, एक लाइन को छोड़ करके लाइन नहीं निकालेंगे। ये जैसे पौधे हैं, इन पौधों में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक लाइन का अगर यह पौधा निकाला है तो अगली लाइन का यह पौधा निकलेगा, 1, 2, 3 के सामने वाला पौधा निकलेगा, फिर 1, 2, 3 के सामने वाला पौधा निकलेगा। इस तरीके से हम 25% पौधे निकाल देंगे, एक लाइन पूरी नहीं निकालेंगे उसमें, नहीं तो पौधे टेढ़े होंगे और आपकी रटून गड़बड़ आएगी। पूरे खेत का सराउंड ग्राफ बनाएंगे रटून में। फर्टिगेशन शेड्यूल के लिए मैं आपको कुछ टिप्स भेज रहा हूँ। अभी इसको क्या करना है, जो हाथ से तोड़ रहे हो वो गड़बड़ी है। तने की मोटाई को नापो नीचे से, आपने जैसे बताया 30, 32, 35 आ रहा है तो उसमें 4 का भाग दो, जो आए उतने पंजे रखो। तो 8 अगर आ रहा है, जैसे 32 इंचे 4 का भाग दिया तो 8, तो 8 पंजे रखो। 90 नंबर पे एक केला छोड़ो, 10वें नंबर का डंडा रखो, 11वें नंबर पे कट करो, हाथ से तोड़ो। ऐसे जिधर उधर पौधों को मत, ऐसे जो केले तोड़ रहे हो ये गड़बड़ है, इंजरी होती है, वहाँ पर फंगस सब जगह लगेगी, दिक्कत आएगी। बंच बहुत अच्छा है, आगे आपको एक दिन का 1 किलो पोटास 1000 पौधे का रखना है, और उसका 20% कैल्शियम नाइट्रेट रखना है। ये दो चीज़ रखिए अभी एक बार। 250 ग्राम EDTA फार्म का माइक्रोन्यूट्रेंट्स पूरे फील्ड में, 1000 प्लांट को 250 ग्राम चला दीजिए, कम से कम इतना फॉलो कीजिए, वाटर मैनेजमेंट कीजिए। जहाँ ड्रिप दूर हो वहाँ पौधे की कक्षा के पास ड्रिप को कीजिए, दूर मत रखो, यहाँ पर चलफिर होगी, गड़बड़ आएगी और जड़ें दबेगी। पत्ते काटना मत, ऐसे ही रखना। बारिश आने के ऐसा आसार लगे कि 30 जून को बारिश आ रही है, तो 20 जून को पत्ते हम सूखे पत्ते ही केवल काटना है। एक पट्टे पे कचरा कर दो, एक को खाली रखो, एक में कचरा कर दो। फील्ड काफ़ी अच्छी है, लेकिन सीखने की और हमें आवश्यकता है। बुरहानपुर को डेवलप करना है तो इन जैसी फील्डों को थोड़े से सुधार की आवश्यकता है, हमें सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए, तो ही अच्छे बड़े व्यापारी आकर रुकेंगे। हम फील्ड को एक बार लगाकर 10 बार तक कटिंग ले सकेंगे और सोने पे सुहागा होगा। जितना अच्छा आपका अभी प्लाट है इससे और अच्छे होने की संभावना है। रवि जाट का वीडियो है बंच मैनेजमेंट का, यूट्यूब पर किसान पाठशाला के चैनल पर, उसे देखो और बंच मैनेजमेंट उसकी थीम पर करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी पोटास उसका 20% कैल्शियम नाइट्रेट, और आगे 30% कटिंग हो जाए उसके बाद रटून मैनेजमेंट। और अगली फसल के लिए मैं आपको BFS का फॉर्म भेज देता हूँ, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, बुरहानपुर पूरा सीखने समझने को तैयार है, यह बात मुझे अच्छी लग रही है। आओ हम मिल करके अच्छी शुरुआत करें, बुरहानपुर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टरों को लेकर आएँ। पूरे MP का सबसे ज़्यादा केला बुरहानपुर में लगता है, या कहूँ जलगांव में रावेर बुरहानपुर अगर नहीं है तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में केला नहीं है। इसे कहने में मुझे गर्व होता है कि काफ़ी केला लगता है, लेकिन एक और कहीं कोने में डर है कि आप अच्छे मित्र, अच्छी फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे अच्छे व्यापारी नहीं आ रहे हैं, जो सोलापुर, सतारा, सांगली बैठे हैं और सूरत, कामरेज बैठे हैं और बड़वानी में बैठे हैं। कारण ढूंढिए, मेन कारण ग्राफ को बदलना पड़ेगा हम सबको मिल करके।
आप सभी किसान इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर बुरहानपुर के घर घर तक, केले किसानों तक यह वीडियो भेजने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर किसान को पता चले कि गड़बड़ी कहाँ है। एक चीज़ आपको और करना है, इतनी ज़्यादा तरीके से जो पत्ते जा रहे हैं, सिस्टमेटिक फफूंदी नाशक 1000 प्लांट पर 200 ग्राम और 200 ग्राम सुक्रोज ड्रिप से तुरंत चलाइए, ताकि सिगाटोका का स्प्रे लेना नहीं पड़ेगा। जैसे ही बारिश आएगी गड़बड़ी होगी, सिगाटोका एंट्री करेगा। अभी 30 मई है, आप एक बार अभी लीजिए, फिर 20 दिन बाद लीजिए, फिर 20 दिन बाद लीजिए, तो सिगाटोका का स्प्रे करना नहीं पड़ेगा। सिस्टमेटिक फफूंदी नाशक सुक्रोज के साथ, वाइसेनोमेटा ब्रांड नेम है, उसके अंदर सुक्रोज आता है, उसको 200 ग्राम और 200 ग्राम फफूंदी नाशक कार्बन डेज में ले सकते हैं। इसको ड्रिप से चला दीजिए, जिस दिन चलाएं उसके दो दिन बाद, एक दिन या दो दिन पानी बंद कीजिएगा, तो मज़ेदार रिजल्ट आएगा। ब्रदर आपकी मेहनत अच्छी है, किसान पाठशाला से जुड़ रहे हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो को हर केला किसान तक भेजो और बुरहानपुर को डेवलप करने में हम आप एक साथ में आगे बढ़ें और यहाँ पर अच्छे एक्सपोर्टरों की भरमार लेकर आएँ। थैंक यू।